हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लेके आई हूँ कि अगर आपकी थ्रेडिंग की शेप हो गई है ख़राब तो किस तरह से ठीक करें। देखिए, सबसे पहली बात है कि थ्रेडिंग की शेप ख़राब किस तरह होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मेरी थ्रेडिंग की शेप बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मैंने जब लास्ट टाइम जो है खुद थ्रेडिंग नहीं की थी और मैंने किसी से कराई थी, तो क्या होता है, क्या हुआ कि एक तो मेरी थ्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई और साथ ही साथ ये जो मेरे हेयर्स हैं ना, ये थ्रेडिंग मेरी यहाँ तक आती थी और अब देखिए यहाँ तक आ रही है ना। तो और ये हेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा निकाल दिए हैं और आप यहाँ पे देखिए, अब मेरे हल्के हल्के से हेयर्स आने लग गए हैं, लेकिन जो है शेप ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे देखिए कट है, यहाँ पे एक कट है, तो काफ़ी कट आ चुके हैं मेरी थ्रेडिंग में और आप देख सकते हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये देखिए कितनी ज़्यादा जो है, ये थोड़ी मोटी है, ये थोड़ी पतली है, तो मेरी थ्रेडिंग की शेप जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। मुझे इस शेप को करना है मेंटेन और ठीक, तो इसके लिए क्या करें। देखिए, इसके लिए मैं किसी भी पार्लर पे जाने वाली नहीं हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं खुद ही मेंटेन करूँगी, मुझे इसे थोड़ा मोटा करना है और जो मेरे हेयर्स हैं ना, मुझे इन, ताकि जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो निकल जाएं और ग्रोथ वाले हेयर्स रह जाएं, तो मैं उसके लिए क्या करूँ। तो आप देख रहे हैं मेरे हैंड में है एक सीज़र, है ना। और इसके लिए मुझे देखिए, मैं जो वे बता रही हूँ वो खुद कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपको पार्लर में जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको हेयर्स छोड़ने पड़ेंगे अपनी थ्रेडिंग में। इसके लिए ना, जब आपकी शेप, मेरी शेप बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पहले मेरी शेप जो है वो बहुत ज़्यादा कर्व में आती थी, अब थोड़ी डाउन है और साथ ही साथ जो ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे से हेयर्स आने लग गए हैं और इनको मुझे निकालना है, लेकिन मैं इन हेयर्स को नहीं निकालना चाहती जो मेरी शेप के पास आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, खुद ब खुद मैं क्या ट्रिक अपनाऊँ। मैंने वीट की वैक्स स्ट्रिप्स ली हैं यहाँ पर और एक यह है रूलर, यानी कि जो स्केल होता है वो लिया है मैंने यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे अपनी ली हैं वीट की वैक्स स्ट्रिप्स और इसमें से मैंने एक वैक्स स्ट्रिप निकाली है, छोटी सी ली है, और इसको मैं थोड़ा सा एक पतली सी स्ट्रिप जो है वो कट कर लेती हूँ। पतली सी स्ट्रिप ली है बिल्कुल ही, आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी स्ट्रिप ली है, ये वाली स्ट्रिप ली है बिल्कुल ही बारीक। इसको मैं टू पार्ट्स में कट कर लेती हूँ, यानी कि इस पतली स्ट्रिप्स को मैंने टू पार्ट्स में कट कर लिया है। अब मैं इसे ओपन करूँगी और ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको इसे अप्लाई कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रूलर का यूज़ किया है, स्केल का यूज़ किया है। ये मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, देखिए, ताकि आपकी शेप पे जो है स्ट्रिप ना लगे, ठीक है। रूलर का यूज़ ज़रूर करना है, आप बिना रूलर के भी ये कर सकते हो। आपने जस्ट वैक्स स्ट्रिप लगानी है, छोटी सी लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी, और रूलर को लगा के रखना है ताकि आपकी जो हेयर्स हैं वो रिमूव हों और आपकी जो शेप है उसमें से कोई हेयर ना जाए। इस वजह से अगर आप बिना रूलर के कर सकते हो तो आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बेनिफिट होता है रूलर का, आप देख रहे हैं कि ये बेनिफिट होता है रूलर का कि हम ईज़िली जो है स्ट्रिप अप्लाई कर सकते हैं और ईज़िली रिमूव कर सकते हैं बिना डरे कि हमारी जो शेप है वो ख़राब होगी। इस चीज़ इस वजह से मैंने रूलर का यूज़ किया है। अब हमने सेम, आप देख रहे हैं कि हमारे जो थोड़े थोड़े से हेयर रह गए हैं ये हमने नहीं निकालने हैं, ठीक है ना, हमने वो हेयर्स छोड़ने हैं। देखिए, अब रूलर की हेल्प से कितनी ईजिली जो है स्ट्रिप लग जाती है और उतर भी जाती है, ठीक है, इस वजह से यूज़ किया है। अब यहाँ पे हमने प्रॉपरली जो एक्स्ट्रा हेयर थे वो क्लीन कर लिए हैं अपने आप ही, बिना कहीं पार्लर पर जाए। तो ये जो हेयर्स रह गए हैं ना, अब ये बड़े होंगे और मेरी शेप के साथ मिक्स होकर ये जो ग्रोथ है वो बढ़ा देंगे और शेप को भी मेंटेन करेंगे। थोड़ा टाइम लगता है इस प्रोसेस में, यानी कि थोड़ा टाइम लगा। ऐसे ही आपने दूसरी भी रूलर, अपने रूलर की हेल्प से जो है स्ट्रिप लगानी है और उसे रिमूव करना है। सेम बहुत कम पार्ट में करें ताकि आपकी शेप मेंटेन रहे, और बिना रूलर के भी आप आसानी से कर सकते हैं। बिना रूलर अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए और अपने जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उन्हें कट कर लीजिए। तो इस तरह सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ से ये सारे हेयर्स और यहाँ से ये सारे हेयर्स जो है वो निकाल दिए हैं। अब ये जो रेस्ट ऑफ हेयर्स हैं, ये जो बचे हैं हेयर्स,
ये सारे अब ग्रोथ करेंगे। ये वाले हेयर्स मैंने छेड़े नहीं, सेंटर के मैंने छेड़े नहीं, साइड के मैंने छेड़े नहीं, और ये जो हेयर्स है अब ये ग्रोथ करेंगे। अब इनको ग्रोथ करने दें, नियर अबाउट 1 month इसको लगेगा ग्रोथ करने में, अच्छे से ग्रोथ करने में। तो इनको ग्रोथ करें, जब ये ग्रोथ होगी तो इन हेयर्स के साथ मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद ये जो है मेरी जो शेप है वो बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जब भी आप अपनी थ्रेडिंग कराएं, मेरे अकॉर्डिंग ग्रोथ करके ही कराएं, वरना आपकी थ्रेडिंग जो है बहुत ख़राब हो सकती है। मेरी शेप जो है वो काफ़ी ख़राब हो गया, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। ये देखिए, मैंने अभी साफ नहीं की है, लेकिन जो है काफ़ी क्लीन हो चुकी है। और ग्रोथ के जो हेयर्स है, अगर मैं फिर से कहीं से थ्रेडिंग कराती तो क्या होता, ये जो हेयर्स आए हुए हैं ना, वो ये वाले हेयर्स भी निकालते, और इसके साथ साथ ये जो बीच की हेयर्स हैं ये भी निकाल देते। इससे मेरी ग्रोथ और ज़्यादा, यानी कि थ्रेडिंग और ज़्यादा पतली हो जाती, सेम कंडीशन इसके साथ रहती। अब मैंने बाहर से नहीं कराई, खुद की है, तो ये जो हेयर्स हैं वो सारे छोड़ दिए हैं, और ये वाले हेयर्स भी सारे छोड़ दिए हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि ऐसा करने से ये जो हेयर ग्रोथ करेंगे और इसके साथ मिक्स होंगे, तो मेरी थ्रेडिंग थोड़ी मोटी हो जाएगी और अपनी शेप पकड़ लेगी। तो इस तरह से आप अपनी थ्रेडिंग को शेप दे सकते हैं प्रॉपरली, और इसे मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।